फाइनली हम सबका इंतजार खत्म हुआ और कैप्टन मार्वल का ट्रेलर हम सबके सामने आ ही गया। 1 मिनट 56 सेकंड के इस ट्रेलर ने जहां हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, वहीं साथ ही कई नए इन्फॉर्मेशन भी रिवील हुए। इसलिए ट्रेलर के हर एक हिडन इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स को जानने के लिए मेरा ब्रेकडाउन एंड तक जरूर देखना। ट्रेलर का पहला शॉट ही हमें मिलता है जहां कैप्टन मार्वल स्पेस से सीधा अर्थ पे गिरती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सीन मूवी का भी फर्स्ट सीन होगा। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें ये फील कराया गया है कि इस मूवी की स्टोरी 90s की है, वो भी ब्लॉकबस्टर वीडियो स्टोर के थ्रू। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ब्लॉकबस्टर वीडियो 90s में अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टोर था जहां मूवी के कैसेट्स और सीडीज मिलते थे, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। आगे हमें कैप्टन मार्वल का फर्स्ट लुक मिलता है और यहां वो अपने स्टार फोर्स के ग्रीन कॉस्ट्यूम में है। अब जिन्हें नहीं पता स्टार फोर्स क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि स्टार फोर्स क्री की एक मिलिट्री टीम है जिसमें कुरैथ, एटलस, कैरल डेनवर्स, ब्रॉनकैर और मिनर्वा हैं। मोस्ट प्रोबेबली जूड लॉ का ये कैरेक्टर इस टीम का हिस्सा हो और उसी के साथ ये पूरी टीम रोनन को रिपोर्ट करती हो। नेक्स्ट हम कैप्टन मार्वल को पूरे शहर में भटकते हुए देखते हैं और वो पूरी तरह से कंफ्यूज लगती है, जिसका ये मतलब है कि वो अर्थ पे पहली बार आई है। लेकिन आगे ट्रेलर के कुछ शॉट्स देखकर ऐसा लगता है कि वो अर्थ से ही है, लेकिन उसकी मेमोरी मिटा दी गई है। इस पूरे सीन के बैकग्राउंड में हम निक फ्यूरी की आवाज सुनते रहते हैं जहां वो किसी वॉर की बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक वॉर उनके ऊपर से आएगा। और यहाँ उनका ये कहना कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, इसका एक ही मतलब है कि ये पहली बार था जब अर्थ पे एलियंस का हमला हुआ था। और इसके बाद सीधे हुई न्यूयॉर्क बैटल और फिर थैनोस को तो हम सब जानते ही हैं। वैसे यहाँ निक फ्यूरी क्री स्क्रल वॉर की बात कर रहे हैं। अगले शॉट में हम कैरल को शील्ड के कैप में देखते हैं और कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर शील्ड के साथ काम कर चुकी है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉट है जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। सबसे पहले तो यहाँ निक फ्यूरी बैठे हैं और उन्होंने अपने आंखों पर बर्फ लगा रखा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अपना आंख स्क्रल से लड़ते खोया होगा क्योंकि यहीं सामने एक स्क्रल मरा हुआ है और डॉक्टर्स उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है जहां हम शील्ड के शिप को एक एलियन शिप के सामने देख सकते हैं। वैसे तो ये क्री और स्क्रल में से किसी का भी शिप हो सकता है, बट मेरा गेस ये है कि ये क्री का शिप है। और ऐसा क्यों, मैं ये आगे एक्सप्लेन करूंगा। वैसे यहाँ शील्ड की शिप कैरल डेनवर्स चला रही है। फिर हमें कई सारे एक्शन सीन्स और चेस सीन्स मिलते हैं और उसी बीच हम कैप्टन मार्वल को उसका अपना आइकॉनिक फोटोनिक ब्लास्ट करते देख पाते हैं। देन फाइनली कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी एक दूसरे से मिलते हैं। अब यहाँ मार्वल स्टूडियोज के डीएजिंग टेक्नोलॉजी को दाद देना पड़ेगा। इसी टेक्नोलॉजी का यूज पहले भी सिविल वॉर जैसे मूवीज में किया जा चुका है। अगले शॉट में हम निक फ्यूरी को कैरल से बोलते सुनते हैं कि तुम शायद यहाँ से नहीं हो, जिस पर कैरल जवाब देती है कि ये समझाना इतना आसान नहीं है। उसे कुछ मेमोरीज और विजन दिखाई देते हैं और इसी से ये पता चलता है कि कैप्टन मार्वल एक्चुअली अर्थ से ही थी और उसे क्री ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उसकी पूरी मेमोरी मिटा दी गई और वो एक क्री मिलिट्री का हिस्सा बन गई। यहाँ एक नया प्लैनेट भी दिखता है जो कि क्री का प्लैनेट हेला हो सकता है और हम कैरल को भी इस प्लैनेट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम कैरल और मैरिया रैम्बियो को एयरफोर्स के कपड़ों में देख पाते हैं। अब ये फ्लैशबैक सीन होगा जब कैरल किडनैप होने से पहले अमेरिकन एयरफोर्स का हिस्सा थी। और यहाँ इंटरेस्टिंग ये कैरेक्टर भी है जो है मैरिया रैम्बियो। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर की बेटी मोनिका रैम्बियो आगे चलकर नई कैप्टन मार्वल बनती है, हालांकि वो ये नाम छोड़कर अपना नाम फोटोन रख लेती है। आगे हमें कैरल के बहुत सारे फ्लैशबैक सीन्स दिखते हैं जिसमें हम उसके बचपन से लेकर कैप्टन मार्वल बनने तक के सफर को देख सकते हैं। और फिर आता है ये शॉट जहां हम कैरल को एक मशीन में देखते हैं। कॉमिक्स में भी एक ऐसी ही मशीन साइक मैग्नेट्रॉन का यूज विलेन योनरोग ने किया था, बट यहां मुझे ऐसा लगता है कि इस मशीन से क्री कैरल की मेमोरी को वाइप कर रहे हैं। देन हम कैप्टन मार्वल और स्टार फोर्स को रोनन और जूड लॉ के कैरेक्टर की तरफ बढ़ते देखते हैं और इसी सीन के फोटो को रिलीज भी किया गया था। यहां हम साफ साफ मिनर्वा और एटलस को देख सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लोकेशन भी क्री प्लैनेट हेला होगा। देन हमें दिखता है जूड लॉ का ये कैरेक्टर। वैसे सारे लोग ये बोल रहे हैं ये ओरिजिनल कैप्टन मार्वल का रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि विकिपीडिया और आईएमडीबी पे भी यही लिखा आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये मूवी के एक सीक्रेट विलेन योनरोग का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि एंटरटेनमेंट वीकली ने हर एक कैरेक्टर का नाम अपने फर्स्ट लुक में बता दिया था, बट सिर्फ जूड लॉ के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया। और जब भी जूड लॉ से ये पूछा गया है कि वो कैप्टन मार्वल में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि वो ओरिजिनल कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि विलेन योनरोग का रोल प्ले करेंगे। और स्टोरी वाइज देखें तो ये मूवी के लिए काफी अच्छा ट्विस्ट भी रहेगा। आगे हमें कैरल फिर से शील्ड के जेट में दिखती हैं, एंड इससे पहले का सीन ये था, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ उनका एक्सीडेंट होगा और वो क्री के प्लैनेट हेला पे गिरेंगी जहाँ उनकी मेमोरी मिटा दी जाएगी। नेक्स्ट हमें एक क्लियर लुक मिलता है स्क्रल का,
और ये स्क्रल कोई और नहीं बल्कि उनका लीडर टैलोस है, और इसके ह्यूमन फॉर्म का रोल बेन मिडलसन कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर बैरूपिया बनकर छुपे हुए हैं। नेक्स्ट शॉट में हम कैप्टन मार्वल को एक बूढ़ी औरत को पंच करते देखते हैं। अब यहाँ कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सुपर हीरो किसी बुढ़िया को क्यों ठोक रही है, लेकिन आपको बता दूं कि ये बूढ़ी औरत भी एक स्क्रल होगी, क्योंकि स्क्रल के मेन पावर्स यही हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। अगले शॉट में रोनन दिखता है और ये अपने शिप से हमारे अर्थ को देख रहा है। वैसे रोनन का कैरेक्टर इस मूवी में रिटर्न कर रहा है, और इससे पहले हमने इस कैरेक्टर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। अगले शॉट में हम एजेंट कॉल्सन को देखते हैं, और यहाँ भी उन्हें काफी अच्छी तरह से यंग दिखाया गया है, जिसके लिए मार्वल के VFX टीम को सैल्यूट। अब ये शॉट कई लोगों की यादें ताजा कर देगा। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग अगर आपको याद हो तो निक फ्यूरी ने ऐसे ही पेजर से कैप्टन मार्वल को मैसेज भेजा था, और इस मूवी में हमें यही डिवाइस देखने को मिलेगा जिसके थ्रू दोनों के बीच बातें होंगी। फिर यहाँ हमें कुछ ज्यादा ही कमाल का सीन मिलता है। सबसे पहले तो कैप्टन मार्वल के कॉमिक्स से उसका आइकॉनिक हेलमेट यहाँ मूवी में भी है, और उसी के साथ कई लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा कि ये सीन पानी के अंदर का है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कैप्टन मार्वल का हेलमेट उसे कहीं भी सांस लेने में हेल्प करता है, अब चाहे वो पानी के अंदर हो या फिर स्पेस में। कैप्टन मार्वल का पावर का एक और नमूना हमें यहाँ दिखता है जो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जिसके बाद वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को फिर से यूज कर सकती है। इसके बाद कई और फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं, एंड सबसे फाइनली वो दिखाया गया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो भी कैप्टन मार्वल के फर्स्ट मूवी में ही। जी हाँ, हमें कैप्टन मार्वल इस मूवी में अपने बाइनरी फॉर्म में दिखने वाली है, और साथ ही उसने क्लासिक रेड कॉस्ट्यूम भी पहना है। अब जिन्हें इनकी बाइनरी फॉर्म क्या है उसके बारे में नहीं पता, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आई बटन पे वीडियो देख लें। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि कैप्टन मार्वल की इसी पावर्स की वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बनती है। पर्सनली मुझे ये ट्रेलर काफी पसंद आया। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि कॉमिक से इस मूवी की स्टोरी काफी बदल दी गई है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉमिक से जरूर लिए गए हैं, जैसे कि कॉमिक से क्री स्क्रल वॉर और एनिमी विद इन की स्टोरी लाइन, जहां कैप्टन मार्वल अपनी याददाश्त खो देती है। आप सब नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, 10 में से आप इसे कितने पॉइंट्स दोगे। साथ ही अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। टारगेट करते हैं 15,000 लाइक्स की। मुझे पता है यार आप लोग कर दोगे, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। साथ ही ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्क्रल्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और कैप्टन मार्वल की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।